नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कर रही है अपने कुनबे को इकट्ठा करने का प्रयास। बोले, बीजेपी नेता एकजुट है, हमें ऐसी यात्रा की जरूरत नहीं। 31 मार्च को आयोजित किया जाएगा मैं हूँ चौकीदार एक कार्यक्रम, जिसमें दिल्ली से नरेंद्र मोदी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। देश के 500 स्थानों पर होगा सीधा संवाद। आप देख रहे हैं पलपल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी पार्टी के कुनबे को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है, जबकि बीजेपी को इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने आगे बताया कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैं हूं चौकीदार नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसमें सीधा संवाद भी वे कई जगह पर एक साथ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 500 स्थानों पर सीधा संवाद होगा। रेवाड़ी में यह कार्यक्रम 5 बजे KLP कॉलेज के अंदर आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं पलपल की ये विशेष रिपोर्ट। एक मुख्य सेवक और चौकीदार की एक अपने आप को दर्शाया था, उसी के सिलसिले में आज ये प्रेस चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 16 मार्च को एक अभियान, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि देश का हर आदमी वो चौकीदार है जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी, गंदगी और समाज की जितनी भी बुराइयाँ हैं उनके खिलाफ जो लड़ रहा है वो सब चौकीदार है। और इस अभियान को सोशल मीडिया पर काफ़ी कवरेज मिला और आज हर नेता, हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है कि मैं भी चौकीदार हूँ, इस तरह से काफ़ी कवरेज मिली हुई है और करोड़ों लोगों ने इसको लाइक किया है और इससे जुड़े हुए मोदी ऐप के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, तो ये काफ़ी प्रचलित हुआ है। और जिस तरह से विपक्ष चौकीदार को चोर कहकर एक सोशल मीडिया पे एक प्रचार प्रसार कर रहा है, तो इससे हाथ होते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने अभी लगभग 25 लाख चौकीदारों से जो सुरक्षा गार्ड हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि भी जो नामदार लोग हैं वो हमारे को बदनाम कर रहे हैं, चौकीदार को बदनाम कर रहे हैं, तो ये सीधी बात की उन्होंने। और उन्होंने चौकीदारों से, जो सुरक्षा गार्ड के भाई हैं, उनसे माफ़ी भी मांगी कि जो आपको इस तरह से चोर कह करके जो आपका अपमान किया उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और इससे काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में अभी 31 मार्च को एक सीधा संवाद माननीय लगभग 500 स्थानों पर सीधा संवाद करेंगे सुरक्षा गार्डों से। और इसमें जो लोगों ने जिस तरह से चौकीदार शब्द को बदनाम किया इसके बारे में वो लोगों से रूबरू होंगे। तो इसी कार्यक्रम के तहत 31 मार्च को शाम को 5 बजे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें 500 जगह पर ये प्रसारित होगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी सीधा संवाद करेंगे, तो इसी की जानकारी देने के लिए आज हम ये प्रोग्राम। ऐसा है, देखो वो तो अपने कुनबे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कितना जुड़ा वो आप सब लोगों को पता है, कितना वो इकट्ठे हुए हैं, कितना एक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई वो नहीं है कि इस तरह की बात चलाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता एक हैं और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, उनमें तो ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे उनसे इकट्ठे।